हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय श्रीकैन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूं एमपी सेट के कुछ सॉल्व पेपर। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसको। मैं जल्दी से पूरा करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप लोग के पास भी समय कम है तो इसको डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसको डाउनलोड करने के लिए। वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपना ईमेल आईडी मुझे कमेंट बॉक्स पर दीजिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। तो इसमें निर्देश दिया है, इस प्रश्न पत्र में 60 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनमें से उम्मीदवार को किन्हीं भी 50 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उम्मीदवार द्वारा 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर उम्मीदवार द्वारा दिए गए प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर विकल्प ए बी सी तथा डी दिए गए हैं। आपको सही उत्तर के दीर्घवृत्त को पेन से भरकर काला करना है। उदाहरण के लिए दिया है दोस्तों ए बी डी, जबकि सी सही उत्तर है तो सी में पूरा गोला किया गया है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, डी, मूल्यांकन करना। दूसरा देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? इसका जो आंसर है वो है सी, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तीसरा क्वेश्चन देखें, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसका जो कथन जो सही है वो है बी, बी में क्या है, 1, 2 और 3, तीनों ही सही है, चौथा गलत है। पांचवा देखें, उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो उपलब्धि परीक्षण शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर सही है डी। छठवा देखें, एक अच्छा शिक्षक वह है छात्रों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करता है, तो इसका जो आंसर है डी। चौथा क्वेश्चन देखें, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है, तो कौन सी तकनीक शामिल है? इसमें तकनीक शामिल है व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, सामूहिक कार्य। इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो है ए। सातवां देखें, अनुसंधान शब्द के अर्थ में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन से कथन सत्य है दोस्तों सातवां में? तो सातवां में डी, ये सभी सत्य हैं। आठवां देखें, एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है, तो इसका जो आंसर है वो है 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, तो इसका आंसर है ए। नौवां देखें, निम्न में से किस आधार पर जियो प्याजे ने मानव विकास का संज्ञात्मक अनुसंधान दिया? जीन प्याजे ने किस आधार पर? तो इसकी जो आंसर है दोस्तों वो है सी, क्रियात्मक अनुसंधान। इसकी जो आंसर है वो है सी, क्रियात्मक अनुसंधान। दसवां देखें, एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिलाएं विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं, यह कथन निम्न में से किसको इंगित करता है? तो इसकी जो आंसर निकल कर आ रही है वो है डी, संख्यांकी परिकल्पना। ग्यारहवां देखें, निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थिति से सामान्यीकृत नहीं किया जाता है? इसका जो आंसर है वो है सी, प्रायोगिक अनुसंधान।
एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्न में से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? तो इसमें इसका 12वें का जो आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद निर्देश दिया है 13 से 18 निम्नलिखित अनुच्छेद को सावधानीपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसको मैं आप पूछ करके पढ़िए और इसका आंसर ढूंढिए। 13वां देखें, हमारा ज्ञान निम्न में से किसका समूह है? तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है, कुछ कहानियों जो जीवित है, सी। 14 देखें, कथावाचन निम्न में से क्या है? तो इसका जो आंसर आ रहा है, कथावाचन एक तत्व है जो मानव बनाता है। 15 देखें, कहानी के आधार पर हमारा भविष्य कैसा होगा? तो कहानी के आधार पर हम सामूहिक रूप से विश्वास का चयन करते हैं, इसका आंसर होगा ए। 16 देखें, विवेकी आशावादी जो है वो केवल अवसरों की ताक में रहते हैं, इसकी जो आंसर है वो है बी। 19 कम स्वार्थी होते हैं जब वे बड़े समूह में कार्य करते हैं, इसका जो आंसर है वो है ए। 18 देखिए, क्रियात्मक संभव वे हैं जो इसका जो आंसर है वो है ए, मध्य मार्ग पर चलते हैं। 19 देखिए, निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण की संभावशीलता का पता लगाया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है संप्रेषण माध्यम का चयन, मतलब इसमें सभी आएंगे, अभिवृद्धि सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड, विद्यार्थियों की उपस्थिति, संप्रेषण माध्यम का चयन। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है डी। कथन ए, औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। कारण दिया है आर, सूचना आर औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है। तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है, कोड दिया है, तो इसका जो आंसर है ए सत्य है परंतु आर ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है डी। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण की विशेषता है? तो इसका जो आंसर निकल कर आ रही है वो है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 संप्रेषण में विचारों तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल है। संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल है और संप्रेषण एक वृत्ति प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन अभी सीजी सेट में आया था, तो थोड़ा सा आप भी देख लीजिए। ग्रेप वाइन दाखल लता शब्द निम्नांकित में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है अनौपचारिक संचार। 23 देखे, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है, सूचना का एक तरफा अंतरण। 24 देखे, संप्रेषण में भाषा होती है वाचिक कूट, अंतर्वैतिक प्रतीकात्मक कूट, गैर वाचिक कूट। तो इसका जो आंसर है 24 का जो आंसर है वो है सी। 25 देखें, श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो श्रृंखला की अगली संख्या 75 होगी। किस कोड में मैच्यूरा को JXQEROX निरूपित करता है? तो HOTELS को किस रूप में निरूपित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है बी। एक दिन प्रकाश घर से जाता है और दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? तो इसका जो आंसर है वो है सी, 15 किलोमीटर। 28 देखें, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि वह उनके अंकल के पिता की बेटी का लड़का है, तो लड़की का लड़के से क्या रिश्ता हुआ? तो
इसका जो आंसर है वो है ए, भाई। 29वां देखिए, एक परीक्षा में 10,000 विद्यार्थी बैठे हैं, परीक्षा फल घोषित होने पर विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है, तो इसका जो दिया हुआ है तो इसमें प्रश्न पूछता है कम से कम 4 विषयों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो इसमें है 6300 ए। 30वां देखिए, वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, अपनी पत्नी से 3 गुना बड़ा है, 3 वर्ष के बाद उसके बेटे की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, उस व्यक्ति की पत्नी की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इसकी जो आंसर है वो है डी, 50 वर्ष। यदि हम विश्व के बारे में तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो निम्न में से किस प्रकार की तर्क शक्ति पर भरोसा करें, तो इसकी जो आंसर है निगात्मक बी। 32वां देखिए, एक निगात्मक तर्क अवैध होता है यदि इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष असत्य हैं, तो इसका जो आंसर है वो है ए। 33वां देखिए, अगात्मक तर्क निम्नांकित में से किस पर आधारित है, तो इसका जो है प्रकृति की अखंडता ए। 34वां देखिए, निम्नलिखित कथनों में से 2 एक दूसरे के विरोधी हैं, सही कूट का चयन कीजिए जो सही उत्तर का प्रतिनिधित्व करे, कथन, तो इसमें कथन दिया हुआ है सभी कवि दार्शनिक है होते हैं, कुछ कवि दार्शनिक होते हैं, कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते हैं, कोई भी दार्शनिक कवि नहीं होता, कूट दिया है ए और 2, 1 और 4, 1 और 3, 2 और 3, तो इसका जो आंसर निकल के आ रही है वो है बी। 35वां देखिए, नीचे दिए गए कूट में से किसमें केवल सही कथन समाविष्ट है, कथन दिया हुआ है तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो है बी। आगे देखें 36, जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग से उपयोग को स्पष्ट करना या अस्पष्टता अथवा संयम दूर करना होता है तो ऐसी परिभाषा कहलाती है। 36वां का देखें तो इसकी जो आएगी वो होता है सी, इसकी जो आंसर आ रही है वो है सी, शाब्दिक। 37 से 42 दी नीचे दी गई सारणी आंकड़ों पर आधारित है, सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक कंपनी में 20 कर्मचारी है, उसकी आयु वर्षों में और वेतन प्रति माह 1000 में दिया गया है, तो इसको देखिए दोस्तों और इसको सॉल्व कीजिए। प्रत्येक कर्मचारी की आयु के आंकड़े को 5 वर्ष के अंतराल में वर्ग में वर्गीकृत करें, किस वर्ग अंतराल में अधिकतम औसत वेतन प्रदर्शित है, तो इसका जो आंसर है वो है डी। उसके बाद देखें 30 से 35 वर्षों के वर्ग अंतराल की आवृत्ति का प्रतिशत क्या है, तो इसका जो आंसर है 35%। कर्मचारी की औसत आयु क्या है, कर्मचारी की औसत आयु 40.3 वर्ष है। कर्मचारियों का कितना भाग प्रतिमाह 40,000 वेतन प्राप्त कर रहा है, तो इसका जो आंसर है 45% ए। 40 से 50 वर्षों के आयु समूह के में औसत वेतन प्रतिमाह 1000 में कितना है, तो इसका जो आंसर आ रहा है 42.5। 42वां देखें, कर्मचारियों का कितना भाग कुल कर्मचारियों के औसत वेतन से कम लेता है, तो इसका जो आंसर है सी, 55%। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गड़मंड करना क्या कहलाता है, तो ये है कोडीकरण सी। 44वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड, तो इसका जो आंसर है वो है डी, कीबोर्ड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका जो आंसर है वो है गीगाबाइट। 46वां देखें, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है,
वो है इंटरनेट। इसमें हम शुल्क दे करके चलाते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। 47वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी है? तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो है सी। बातचीत चैटिंग के लिए कौन सा इनटेक्स्ट मैसेज प्रयुक्त होता है? वो है डी, गूगल टॉक। 49वां देखें, किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? वो है ए, USA। आगे देखें, 50वां, कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना, लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर है वो है बी, 6%। दो भूकंप ए और बी रिएक्टर स्केल पर 5-6 परिणाम आए, उत्सर्जित ऊर्जाओं का अनुपात लगभग ई बी ई ए कितना होगा? तो इसका जो आंसर है वो है सी, 32। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? तो ये है बी, स्वच्छ वायु, फास्फोरस और जैव विविधता। आगे देखें, 53वां, भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचनांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यह क्लोरोफ्लोरो कार्बन। पर्यावरण पर मानव उद्भिद की क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो आंसर है वो है बी, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धन यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। उसके बाद देखें, 55वां, सांसद का सत्र निम्नांकित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है? वो है ए, राष्ट्रपति के द्वारा। 56वां देखें, भारत में सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है? वो है ए, 21 अप्रैल को। 57वां देखें, द दक्षिण साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नांकित में से किस शहर में अव्यवस्थित है? तो इसका है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, तो इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली में। आगे देखिए, 58वां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नांकित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया है? तो इसका जो उद्देश्य निकल कर आ रहा है वो है बी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए शिक्षकों की क्षमता निर्माण, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखें, 59वां, वर्तमान 2015 में भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात क्या था? इसका जो आंसर है वो है डी, अप्रैल 2015 में भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, तो ये जो है आंसर विलोपित किया गया है, 46 थी टोटल, इसमें 46 ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो, दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो। थैंक यू दोस्तों।